उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों के साथ साथ बालिकाओं के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 में उत्तर प्रदेश की कुशीनगर जनपद की बालिका कुमारी आकांक्षा सिंह ने पूरे देश के अंदर नीट की इस परीक्षा को टॉप किया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में हुआ और अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्राप्त करने के उपरांत इस परीक्षा की तैयारी की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में उन्हें 100% अंक प्राप्त हुए हैं। मैं कुमारी आकांक्षा सिंह को, उनकी माताजी श्रीमती रुचि सिंह जी को, उनके पिता श्री राजेंद्र कुमार राव जी को और परिवार के सभी सदस्यों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और कुमारी आकांक्षा सिंह समेत प्रदेश की सभी बालिकाओं को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन भी करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर यद्यपि पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस सबके बावजूद ऊंचे इरादों के साथ ही परिश्रम और पूरी ध्येय निष्ठा के साथ, लगन के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने की जो एक तमन्ना होती है, उसे प्राप्त करने की जो एक उत्कट इच्छा शक्ति दिखती है, वह कुमारी आकांक्षा सिंह ने अपने परिश्रम से, अपने लगन और अपनी मेहनत से करके दिखाया। ये प्रदेश के लिए और देश के सभी बालिकाओं के लिए एक अत्यंत गौरव का क्षण है। मैं इस अवसर पर कुमारी आकांक्षा सिंह को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ में यहां पर मेरे साथ में चिकित्सा शिक्षा और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी भी हैं, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी हैं, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे जी हैं, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव सूचना के साथ ही सभी वरिष्ठ हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण भी इस अवसर पर यहां मौजूद हैं। वास्तव में ये बालिकाओं के लिए रोल मॉडल हैं और उन परिवारों के लिए भी जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं या खासतौर पर बालिकाओं को स्कूल भेजने से कहीं न कहीं कोताही बरतते हैं या भेदभाव करते हैं बालक और बालिकाओं के बीच में। थोड़ा भी हम ध्यान दे दें और एक उचित माहौल दे दें तो बालिकाएं भी बालकों से कहीं कम नहीं हैं, ये वे करके दिखा सकती हैं और कुमारी आकांक्षा सिंह ने यह करके दिखाया है। स्वाभाविक रूप से नीट की परीक्षा में उन्होंने टॉप किया है। उनकी जो फर्स्ट जो प्राथमिकता होगी प्रवेश की, वहां उन्हें प्रवेश मिलेगा। उन्होंने एम्स दिल्ली में प्रवेश लेने की इच्छा की है, वहां पर उन्हें प्रवेश निश्चित मिलेगा। लेकिन
प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोग उनके वहां पे जो भी यूजी की पूरी पढ़ाई में जितना भी उनका खर्चा आएगा, प्रवेश से लेकर के लॉजिंग फूडिंग के लिए, मैं समझता हूं कि मैं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से कहूंगा कि वह पूरा उन परिवार से उसका वो लेकर के और वन टाइम ही इसको पूरा उपलब्ध धनराशि उनको उपलब्ध करवा दें, जिससे बाद में अनावश्यक रूप से फिर परिवार को भटकना न पड़े, किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। ये प्रदेश सरकार इस चीज को वहन करेगी, इसमें पूरा सहयोग करेगी और मैं कुमारी आकांक्षा सिंह से भी इस बारे में कहूंगा कि उन्होंने जो मेहनत और परिश्रम से स्थान प्राप्त किया है इसको अनवरत बनाए रखें। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।